ब्लॉग स्टार्ट करना था ब्लॉग हमें ब्लॉग स्टार्ट करना था नाश्ते के टाइम पे. नाश्ते मैं बताती हूँ नहीं नहीं स्टार्ट मैंने कर दिया ना पहले. नाश्ते के टाइम पे हमें ब्लॉग स्टार्ट करना था. हुआ क्या, मैं उठा, मैडम ने कहा जाओ दूध लेके आओ. तो उठते ही निकलो, दूध लेके आओ. तो ऐसा करो ना कि मैं दूध लेकर के आती हूँ, तुम तब तक सब्जियां चॉप कर लो. मैंने मना थोड़ी किया, जा मैं बस सबको बता रहा हूँ. This fellow is really smart. मैं सब बस सबको बता रहा हूँ. अब बेचारी को भूख लग रही है तो मैं फटाफट दूध लेके आता हूँ और हम मिलते हैं नाश्ते के टाइम पर. Today is our free day. ऐसा कभी होता है? और आज हम बताएंगे कि हम अपने फ्री डे में क्या करते हैं. So cheers. आज मौसम बहुत अच्छा है तो हमने सोचा कि बाहर बैठ करके नाश्ता किया जाए. तो नाश्ते में क्या कर रहे हैं? बादलों की छाओ में आज हम बैठे हैं नाश्ता करने. This is homemade bread, this is homemade hummus, and this is salad. It's not so, salad, capsicum only. It has onion also. So, Richa को पता है, कल रात को मैंने आलू के पराठे खा लिए, जो मेरे को बहुत पसंद है, तो उसको लगता है आज मैं capsicum आराम से खा ही लूँगा. Oh yes. वैसे भी hummus के साथ तो तुम कुछ भी खा सकते हो. Exactly. Homemade bread, मार्केट से कितनी अलग लगती है ना. घर पे बनी हुई ब्रेड, आई मीन पता नहीं वो क्या ऐड करते हैं, बट घर पे जो बनती है वेरी टेस्टी. कोई कुछ सीजनिंग नहीं होती है. मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूं. मैंने बिना टोस्टेड खाई थी लास्ट टाइम. टोस्टेड नहीं खाई कल. लास्ट टाइम टोस्टेड बहुत हल्की सी टोस्टेड थी वो. इस बार ही प्रॉपर्ली टोस्टेड है. अच्छा, हमें घर पे ब्रेड बनाने का शौक चढ़ा है तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम लेकर के आएंगे माइक्रोवेव. और फिर मैं बनाऊंगी माइक्रोवेव में, क्योंकि अभी मैं बनाती हूँ कुकर में. बस ना छोटा सा डब्बा है स्टील का तो उसी में बनाती हूँ. गोल डब्बा है तो ब्रेड वाली फील नहीं आती है ज्यादा. ऐसे 6 पीस बनते हैं ब्रेड के. द अदर डे शी सेड शी इज मिसिंग आलू शिमला मिर्च. आलू शिमला मिर्च कौन मिस करता है ना. अरसा हो गया है शिमला मिर्च की सब्जी खाए हुए यार. मुझे सब्जियों का सब्जियां मुझे इतनी ज्यादा पसंद है. अरे रिचा तो वो वाली भी मिस करती है. वो कौन सी थी, कॉकरोच वाली, कुंदरू. क्या करेगा, खाना तो पड़ेगा because it's good for health. ऐसा कुछ नहीं है, हमने चेक किया था. ओह प्लीज, हम जब भी मैं बोलती हूँ ना जैसे कि कल हम लंच में बनाएंगे कुंदरू, एवरी टाइम ये प्रोसेस होता है हमारा. कल कुंदरू बन रहा है, नहीं ये सारी डिबेट, और फिर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन उसकी चेक करना, और फिर जाके वो सब्जी बनती है घर पे विद दाल. कॉपी करने का कहाँ से चलन चला है? कॉपीराइटिंग जो सीखना होता था वो बड़े-बड़े राइटर्स को ओके करते थे कॉपी. बेंजामिन फ्रैंकलिन, जैक लंडन. सो तो मैं राइटिंग, तुम्हारी राइटिंग अच्छी नहीं है. ट्राई टू कॉपी हाउ रुडियर्ड किपलिंग राइट्स, हाउ योर फेवरेट राइटर राइट्स, ट्राई टू यूज दैट. हाँ तो आई ट्राई टू राइट लाइक मे बी ध्रुव सहगल राइट्स. सी आज तो देखो तुम्हें कैमरे में ही बात करनी पड़ेगी. टॉक टू मी, टॉक 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 टू मी. It flows just like a heartbeat. Yeah, my mind stream rushes of emotion. Now let's do it again. देख रहे हो? ओ अंकल, हो गया क्या? चलो. You're done? So let's have a look at the complete profile. चलो. So finally, we are going to buy a bun. I mean, आज से देखने जा रहे हैं, but just one more step to go. दो घंटे निकल चुके हैं और प्लीज रिचा अभी भी रेडी हो रही है. मैं इसको इतनी देर से बोल रही हूँ कि यार निकलते. पता है जतिन मुझे इतनी देर से बोल रहा है लेट्स गो और मैं ही बोल रही थी कि नो 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 नो. बाल निकल रहे हैं यहाँ से. कुछ नहीं होगा,
बालों की टेंशन हो रही है मेरे को आज इसलिए। I'm looking so pretty. दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देती। चलो। इतना टाइम लगा दिया तुमने आने में। काम होते हैं हमें। मुझे पता क्या लग रहा था? क्या लग रहा? तुमको ना शायद से मैंने जिस तरह से तुम्हारी सेटिंग चेंज करी है ना सारे कैमरा गैजेट्स इक्विपमेंट्स वगैरह की मुझे लग रहा था शायद कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें मिल ही ना रहा हो। ऐसा नहीं था। कहाँ लेके जा रही हो आज? हम जा रहे हैं अवन लेने। कहाँ? कहाँ? बिन बताए मुझे लेकिन तू मत बिन बताए लेके चल रिचो। Yesterday, जब मैंने अरसे बाद जब कल ड्राइव करा तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वापस आ गया कि चलो आई कैन ड्राइव कुछ भी मतलब डोंट डिस्ट्रैक्ट मी ओके विद योर क्रीपी साउंड्स अरे क्या कहते हैं कल मैंने कौन सा गाना सुना गेस करो कल मैंने भूल गई यार I can drive, sing, talk all at the same time. ऐसा कुछ नहीं होता. You taught me so well. You are promoting. You taught me driving so well. You are promoting bad habits. Driving के time सिर्फ driving और maximum talking. तुम ये क्यों नहीं बोलते? You are scared of my driving. आज मौसम इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे एकदम date पे जाने, date वाला मौसम है. तो चल लेंगे. Oh yeah, baby. अबे पहले हमने डिसाइड करा है कि जब हम अवन खरीदेंगे तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मेक ऑल द ब्रेड्स एंड केक्स मोस्टली ब्रेड्स बिकॉज मुझे केक्स का ज़्यादा शौक नहीं है जतिन को है तो आई एम गोइंग टू मेक ब्रेड्स लॉट और जतिन इज मोर एक्साइटेड टू मेक व्हाट पोटैटो डिशेस राइट नहीं तुमने क्या बोला था जैकेट पोटैटोस पिज़्ज़ा जैकेट पोटैटोस पिज़्ज़ास ही इज मोर एक्साइटेड फॉर दैट पिज़्ज़ा आई एम नॉट श्योर कितना अच्छा बनता है बिकॉज गुड पिज़्ज़ास आर गुड फायर्ड Finally, हम पहुंच चुके हैं रिचा से ये खुलता ही नहीं है और तुम इतनी छोटी हो तुम्हें तो दिखेगा भी नहीं अंदर है क्या Explosions like a heartbeat Yeah, my mind's getting rushes of emotion Now let's do it again How's it? Guess करो कौन सा लायू मैं? सही है मतलब मैक्सिकन के हिसाब से काफी अच्छा है। It's Mexican. तभी मैक्सिकन हमें लास्ट टाइम काफी अच्छा लगा। हाँ। But I'll show you guys a trick. ये बर्गर मैक्सिकन का बर्गर कैसे खाना चाहिए? ऊपर वाले लेयर को थोड़ा सा उठा लो। दो। ये इसके साथ अगर पीरी पीरी फ्राई पीरी पीरी होता ना तो ज्यादा टेस्टी लगता ना फ्राइज डाल दी नहीं अच्छा लग रहा नाउ वी विल हैव आवर मैक्सिकन मेरे लिए बचा देना हाउ इज माय रिमिक्स जवाब नहीं मिला तुम्हारा ठीक है पीरी पीरी का ज्यादा अच्छा पर फ्राइज हम पीरी पीरी बहुत खा चुके हैं बिना तेल का जो आज माइक्रोवेव देखे वो कैसे लगे तुम्हें अच्छे थे हमें जो पसंद आया है सैमसंग का वो मुझे सही लगा है मैं रिचा को बोला है प्राइस की फिक्र मत करो बिकॉज ये फ्री में मिल जाएगा फ्री में कैसे अरे बताया था
पूरा फ्री में मिल जाएगा, पूरा फ्री में मिल जाएगा। मेरे ऑफिस में पॉइंट्स पड़े हैं, सो डोंट वरी, पूरा फ्री में मिल जाएगा। सही है यार, फ्री का माइक्रोवेव ओवन 16,000 का, इससे बढ़िया और क्या चाहिए यार। काम ही इतना करता हूँ मैं, और तुम ऐड करती रहो, ऐसा बहुत ही कम होता है आजकल कि वी बोथ हैव फ्री माइंड एब्सोल्युटली। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट माय वर्क और एडिटिंग और एनीथिंग। पहले ऐसा होता था कि अगर ब्लॉगिंग भी करनी है तो मेरे दिमाग में तो रहता था वो यार ब्लॉगिंग शूट करना है, शूट करना है, बट अभी थोड़ा थोड़ा नेचुरली आता जा रहा है। सो यस आई एग्री विद हर कि आज काफ़ी फ्री माइंड था। और इनसे मुझे खुशी इस बात की भी हो रही है यार कि हम मतलब शाम को हम इतने मस्त मौसम में हम बाहर निकले हैं। जनरली क्या होता है कि हम सैटरडे को शूट कर रहे होते हैं, फिर नॉर्मल वीडियो शूट करते हैं विच गोज ऑन टिल लाइक 8:30-9, और संडे ऐसा जाता है कि मैं मेरे को थोड़ा काम करना रहता है। हाँ, संडे ऐसा रहता है कि फिर हमारे बाकी जैसे घर की चीज़ें हो गई, कुछ मे बी अगर ग्रोसरीज वगैरह ऑर्डर करनी है, या फिर मुझे अगर कुछ ब्लॉग लिखना है, जतन का भी कुछ पर्सनल ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह पे, इसके फेवरेट टाइम पास कोडिंग चल रही होती है, तो हमारे दिन ऐसे चले जाते हैं। बट आज का दिन ऐसा था कि हम दिन में वी केम आउट ऑफ द हाउस, और अभी भी हम आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पे, वी आर जस्ट चैटिंग, आई एम हैविंग अ गुड डे। Me too. Yeah, I'm having a good day as well. Enjoy your evening. Enjoy your evening. I hope you enjoyed the video. And let's end it here. आज का दिन हम यहीं पे खत्म करते हैं। हमें vlogs बनाने की बिल्कुल आदत नहीं है और समझ में नहीं आता। I mean vlog बनाना it looks simple but it's really difficult कि हम क्या exciting मतलब लोग जो daily vlogs करते हैं वो पता नहीं कैसे everyday इतना exciting दिखाते हैं। I don't understand. हम महीने में फिलहाल हम सिर्फ एक ब्लॉग करते हैं, उसी में हमें लगता है कि यार क्या करें। तो गिव अस सम आइडियाज, व्हाट यू गाइस वांट अस टू शो इन आवर ब्लॉग्स। वैसे हमारी लाइफ एक्साइटिंग है बट समझ में नहीं आता वो ब्लॉग में कैसे कैमरे पे कैमरे पे आके मैं बोरिंग हो जाता हूं। अरे बोरिंग तो नहीं होते हो, बोरिंग भी नहीं हो तो सेम सेम। तो इसलिए टेल अस व्हाट यू वांट टू सी इन आवर ब्लॉग्स, help us basically, don't tell us, help us how we can, what we should do in our vlog, what we should show in our vlog, so that will be your help for us. Milte hain Friday ko, enjoy your evening. Friday ye acha ha right, so milte hain Friday ko, agar vlog pasand aaya hai to like karo, subscribe karo, aur hame subscribe aur comment karke batao ki kya acha laga kya nahi acha laga aur kya kya hum kare aage. Chalo bye bye bye.